गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3B क्लास 9 के जो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स फैक्टराइजिंग करना है उसको, ठीक है। तो इसमें से ये नंबर्स मेरे पास जैसे दिया 150 माइनस 6x स्क्वायर है ना, तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं। तो 6 को ले लिए पहले। अब 6 से जो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 25 टाइम्स में। तो 25 यहाँ पर लिखेंगे और ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो इसको फॉर्म में इसको कर देंगे इस तरह से, ये 25 को 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 6 इंटू हो गया ये 5 माइनस एक्स एक बार होगा और एक बार क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ठीक है। तो यही इसका फैक्टराइजिंग हो गया, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक है। तो 14 में क्या करेंगे, ये तो ए स्क्वायर है, ये भी इसको भी उसी तरह से करते हैं, बी स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3a, ठीक है, प्लस हो गया ये 5b का स्क्वायर माइनस 4c को क्या कर सकते हैं, 2c का होल स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो वही करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो आ गया है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। हम किसी को भी आगे ले सकते हैं, तो a माइनस बी लिखते हैं, 3a प्लस 5b, ये a है माइनस b 2c है ये, और ये कितना हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, यानी 3a प्लस 5b प्लस 2c, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो इसको भी करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 को देखते हैं यहाँ पर। इसको तो होल स्क्वायर में कैसे कर सकते हैं, ये अगर होता है ये तो bc है, c है ना, तो यहाँ 2bc है, तो इसके साथ ये हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह से इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, इसको ए स्क्वायर ले लिए माइनस कर दिए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में आप कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो सबका साइन चेंज होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 2bc हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ये सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो क्या करेंगे इसको, ए माइनस इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा बी माइनस सी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार प्लस हो जाएगा ये इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, एक ये आ जाएगा। इसको इस तरह से फिर से कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा लास्ट में, ए माइनस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा, 17 को भी हम इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। इसमें से पहले कॉमन, टोटल में से पहले कॉमन आउट करने की कोशिश करेंगे, जितना छोटा होगा उतना बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो इसमें से नंबर्स में देखो, ये 3 का टेबल में आएगा, 3 जा 9 हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 3 को पहले कॉमन आउट लेंगे, पहले 3 को कॉमन आउट लिए हम यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रैकेट इस तरह से लगा दिए, 3 या 9 ना, तो 3 और ये 6 36 टाइम में आएगा, ठीक है, 36 हो गया ये, फिर ये ए स्क्वायर है माइनस ये 3 तो बाहर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी माइनस सी का स्क्वायर है, इस तरह से ये नंबर इस तरह से आ गया, आया ना। अब इसको होल स्क्वायर में कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 36 को 6a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस क्या कर सकते हैं, बी माइनस सी का स्क्वायर कर सकते हैं, कर लेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू हो गया ये 6a और ये हो जाएगा ये माइनस बी माइनस सी, एक बार माइनस होगा और एक बार क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये हो जाएगा 6a प्लस हो जाएगा ये बी माइनस सी, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। तो अब ये जो नंबर्स है ये क्या हो गया, ये 3 इंटू हो गया ये 6a माइनस बी प्लस सी, ये होगा, ठीक है, हम यही ब्रैकेट दे देते हैं फर्स्ट ब्रैकेट को, इंटू क्या हो जाएगा ये 6a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 तक करने का कोशिश करें, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।